धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। धाकड़ खबर, बेखौफ जुबान, बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अक्रम रईस खान। एक ऐसी घटना है इस देश के इतिहास में, आजादी के बाद जब संविधान से देश चल रहा था, जब कहा गया कि देश एक सेकुलर देश है, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, समाजवाद की बात कही जा रही थी, उस दौर में एक घटना घटी 6 दिसंबर 1992 को, जिसे माना गया, जो बाबरी मस्जिद शहादत के रूप में हमारे सामने आई, और जिसे माना गया वो इस देश के संविधान की हत्या थी। पूरी दुनिया ने माना कि ये दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा हिंदुस्तान के इतिहास में, भारत के इतिहास में ये दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। और आज तक हम लोग यही सुनते आए हैं और इसी को देश का सबसे बड़ा मुकदमा मानते आए हैं। 29 अक्टूबर से इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में होने जा रही है। हर किसी की निगाहें इस ओर है। बीजेपी इसके सहारे बहुत दिनों से सत्ता में यहाँ तक पहुँच चुकी है और 2019 में भी फिर से वो राम मंदिर के सहारे सत्ता की सीढ़ियाँ चढ़ने की कोशिश कर रही है। इसी बीच एक घटना घटी है साहब, और उस घटना से आपको रूबरू होना बहुत ज़रूरी है। घटना ये है कि एक साहब सामने आए हैं, उन्होंने एक बाकायदा किताब लिख दी है और किताब लिख के उन्होंने दावा किया है कि जो हुआ 1986 से जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला, उसके बाद वहाँ पे जो जो हुआ और 6 दिसंबर 1992 तक जो सामने आया बाबरी मस्जिद की शहादत के रूप में, वो सब देवीय प्रभाव से हो रहा था। ध्यान दीजिएगा मेरे अल्फाज पर, देवीय प्रभाव से हो रहा था। कोई कुछ नहीं कर रहा था, बस हो जा रहा था, वो घट रहा था, वो होना था वो। तो उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश की अपनी इस किताब के अंदर। तो ये एक नया पहलू निकला। हम तो लोग आज तक सोचते थे कि संविधान की धज्जियां उड़ा दी गई, संविधान की हत्या कर दी गई, लोकतंत्र के कोई मायने नहीं रहे। 1947 में देश बटे थे, लेकिन 1992 में दिल बांट के रख दिए गए, वो भी किन सा नफरतों ने। लेकिन अब उसको कहा जा रहा है कि देवीय प्रभाव, और वो भी एक पत्रकार महोदय द्वारा लिखी गई किताब। कौन है ये पत्रकार, क्यों कह रहे हैं ये ऐसा, ये सब जानने के लिए चलेंगे डॉक्टर अब्दुल सलाम सिद्दीकी के पास, जो न्यूज एडिटर हैं धाकड़ खबर के। कहां से खबर आ रही है साहब, और कौन है ये पत्रकार महोदय, क्यों कह रहे हैं ये देवीय प्रभाव से हुआ? जी, ये खबर अयोध्या से आ रही है जी। अयोध्या में एक पत्रकार हैं हेमंत शर्मा। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। उन्होंने हाल ही में एक किताब लिखी है जी। किताब का नाम है युद्ध में अयोध्या। ठीक है, किताब के दो बाब हैं। ठीक है, ठीक है, दो हिस्सों में, मतलब दो हिस्से हैं। दूसरे हिस्से का नाम है अयोध्या का चश्मदीद। अच्छा अच्छा अच्छा, एक युद्ध में अयोध्या, दूसरा अयोध्या का चश्मदीद। ठीक है, तो यानी बाबरी मस्जिद की तामीर से लेकर के, ठीक है, यानी 1526 से लेकर के 1992 तक, उसके इन्हदाम तक के जितने वाक़े हुए हैं, जितने, ठीक है, उन सब वाक़े पर जो है यानी उन्होंने लेख लिखा है, जिसमें अब जो चश्मदीद हैं वो 1986 से। अच्छा, खुद जो चश्मदीद हैं वो, हाँ, 1986 से पुराना भी किया, हाँ, पुराना भी किया, लेकिन उन्होंने कहा मैं 1986 से कुछ जो चश्मदीद देख रहा हूं वो उन्होंने जिक्र किया, जिक्र है, ठीक है। तो इन तमाम वाकये की कड़ी को जोड़ते हुए उन्होंने अपने नुक्ते नजर से इन तमाम वाकयात को जो है देवीय प्रभाव का असर बताया। 1996 के बाद से, 1986 के बाद से जो शुरू हुआ जी, वो देवीय प्रभाव में, देवीय प्रभाव कैसे कैसे उन्होंने जिक्र किया, दिलचस्प पहलू है। 1986 से पहले जो है अयोध्या के एक वकील अमीश चंद्र पांडे के जरिए जो है ताला खोलने की अर्जी दिया जाना जिला अदालत में, जिला अदालत में, और फिर उसके बाद जिला जज कृष्ण मोहन पांडे के जरिए जो है वो भी ताला खोलने का फैसला सुनाया जाना, वो भी पांडे, ये भी पांडे, पांडे जी एप्लीकेशन दे रहे हैं, पांडे जी फैसला सुनाया जाना। उसके बाद मुलायम सिंह के दौर में शिलान्यास के दौरान वहाँ जो है कार सेवकों का की हत्या किया जाना कांग्रेस के जरिए शिलान्यास करवाना, उससे, हाँ, उसके बाद जो है कांग्रेस के जरिए शिलान्यास कराया जाना, ताला खुलवाने में, ताला खुलवाने में मदद करना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए 1992 से पहले आडवाणी के जरिए जो है राम रथ यात्रा निकालना, विश्व हिंदू परिषद के जरिए पूरे मुल्क में राम मंदिर गुलामी का प्रतीक बताना, गुलामी का प्रतीक बताकर जो है उसके खिलाफ लोगों को भड़काना पूरे मुल्क, ये देवीय प्रभाव में चल रहा था। और 6 दिसंबर को जो मस्जिद, और जो आखिर में जो है 6 दिसंबर को जो है बाबरी मस्जिद का इन्हदाम किया जाना, यानी उस दिन को और उस वाकये को हिंदुस्तान की आजादी में, आजादी के बाद का जो है सबसे स्याह दिन करार दिया गया, बम लगा लगा के उड़ाया गया दिन के उजाले में, ठीक है। लेकिन अब ये उसको कह रहे हैं वो देवीय प्रभाव में हो रहा था, जिसका मतलब किसी ने कुछ किया नहीं,
किसी का कोई दोष तो है, कोई दोष नहीं भाई। देवी आपदा आ जाती है जैसे कि भूचाल आ बिल्कुल ये कह करके नहीं, देखिए ये कह करके जो जो कुछ जो जो जराइम हुए हैं वहां पे, जो वारदात हुई है उसको क्लीन चिट वो ये पत्रकार महोदय दे रहे हैं। अब एक चीज मैं आपसे समझना चाहता हूँ, देवी आपदा वाले मामले में मान लीजिए भूकंप आ गया, कोई क्या कर सकता है, मकान गिर गया, लोग मर गए, सरकार नहीं कुछ कर सकती, कोई मशीनरी कुछ नहीं कर सकती, बाढ़ आ गई साहब, देवी आपदा है, आसमानी बिजली गिर गई, तो ये एक देवी आपदा कहने का मतलब यही है कि जो हुआ वो तो यूं ही हो गया, हाँ यूं ही हो गया, या वो भगवान की जो भी देवी आपदा थी वो हो गया है। तो देवी आपदा का जो इन्होंने कुछ वर्णन किया है अपनी किताब में, जिक्र किया है, उसका कोई सिंबल कोई छवि इन्होंने पेश करने की कोशिश की, दिखाने की कोशिश की कि हाँ भाई इस चीज से लगा के देवी आपदा है। उन्होंने अपनी किताब में जो है वो खास तौर पे जो है इस घटना को 1986 के जो यानी वकील का अर्जी दिया जाना और जज के जरिए जो है मस्जिद के ताला खोलने के फैसले को जाना, यानी इस वाक़े का जहां जिक्र किया है उन्होंने, तो उन्होंने ये कहा है कि ये जो है फैजाबाद की जो डिस्ट्रिक्ट अदालत है उसके ऊपर बैठे हुए काले बंदर की तपस्या का प्रभाव जो है, उसका प्रभाव होता है, एक वकील एप्लीकेशन लेके आता है, जज महोदय फैसला सुना देते हैं। तो यहाँ से उन्होंने बांधा है कि सारा का सारा चीज देवीय प्रभाव में हो गया। इसका मतलब ये सबको झुटला रहे हैं कि जो कुछ हुआ ये तो वहीं हो गया बस। देखिए ये असल में जो जराइम हुए हैं वहाँ पे वो सब पर पर्दा डालने की कोशिश है। क्या बैकग्राउंड है इन पत्रकार महोदय का, कब से इस पत्रकारिता में है और क्या ये अयोध्या में रहकर? देखिए खुद इनका दावा है, इनका दावा है कि अयोध्या पर जो है ये पहली किताब है इस तरह की। अच्छा, अयोध्या से मुतालिक यानी तुलसी क्या कहते हैं जी, तुलसीदास की जो है रामायण के बाद जो है अयोध्या से मुतालिक रिलेटेड जो है ये ऐसी हाँ हिंदुस्तान की पहली किताब है जो अयोध्या के किसी पत्रकार ने। चलिए इनके देवी आपदा से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इनका जब वो विमोचन चल रहा था तो उसमें कौन कौन लोग मौजूद थे जी जी और उनकी खासियत मौजूदगी। हाँ हाँ ये भी दिलचस्प है कि इनकी किताब का जो विमोचन हो रहा था, किताब के विमोचन में जो मुख्य अतिथि थे वो आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी, ठीक है, बीजेपी के बड़े लीडर और होम मिनिस्टर राजनाथ सिंह और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। यानी कि अगर मैं कहूँ कि सरकार का भी एक नुमाइंदा था, बिल्कुल, भाजपा का भी एक सबसे बड़ा नुमाइंदा था, गृह मंत्री था, लॉ एंड ऑर्डर तो उसी को देखना पूरे देश के अंदर, और सरसंघचालक भी थे, सरसंघचालक तीनों लोग थे, उनकी उपस्थिति क्या मैं ये समझू कि इन्हीं के मन माफी किताब लिखी हुई थी नहीं, नहीं, इसलिए वो उपस्थित थे? बिल्कुल उनकी उपस्थिति ये दर्शाती है कि जो किताब जो है उनके मुआफिक लिखी गई है, वो भी देवीय प्रभाव में आके किताब का विमोचन कर रहे थे। क्यों जी भाई, वो भी देवीय प्रभाव में आ रहे, किताब का विमोचन कर रहे हैं और इन्होंने देवीय प्रभाव में आके ही किताब लिख दी, ठीक है। इनकी किताब पे सवालात भी कुछ खड़े हो रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि इनकी जो किताब लिखी गई है उस पर कुछ सवालात खड़े हो रहे हैं, उस पर हम आप एक खबर बिल्कुल हाँ सवालात खड़े हो रहे चीजें रखेंगे कि इन्होंने जिस तरीके से खबर अपनी किताब को पेश किया और किताब में दिखाने की कोशिश की कि देवीय प्रभाव से हुआ और किताब के विमोचन पे कौन लोग मौजूद थे, वहाँ पे मुझे अमित शाह का एक बयान याद आ रहा है। अमित शाह ने कहा कि आपने सारी चीज़ें लिखी हैं लेकिन आपने ये नहीं लिखा कि बाबर के सेनापति ने राम मंदिर को गिरा कर वहाँ पर बाबरी मस्जिद खड़ी कर दी, आपको ये भी इसमें जोड़ना था, जबकि वो कह रहे हैं कि मैं अयोध्या का चश्मदीद यानी कि 1986 से पत्रकारिता करते हुए जो उनके सामने घटा उन्होंने वो रखा। अच्छा, क्या वो किसी को कुछ दोष भी देते हैं किसी चीज़ का, या बिल्कुल क्लीन चिट दे रहे हैं, किसी को कोई दोष देने की कोशिश की किताब में उन्होंने कहा हो नहीं, कि भाई कोई जिम्मेदार है इस घटना का? उन्होंने ऐसे दोष तो नहीं दिया लेकिन उन्होंने सिर्फ घटना का जिक्र किया और जो घटना के जो दो पहलू होते हैं सूत्रधार जो बन रहे जो सूत्रधार होते हैं दो पहलू होते हैं उसका भी जिक्र किया, मतलब बता दिया। हाँ मसलन जैसे बताया कि जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हो रहा था 6 दिसंबर 1992 को, तो जो एक तरफ तो यह है कि कार सेवकों को जो है ये कह करके बुलाया गया कि भाई एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, ठीक है, और दूसरी तरफ जो है जब वहाँ कार सेवक ये काम कर रहे थे तो उनको ये कहा जा रहा था कि भाई
ये राम मंदिर का ढांचा है, इसे ये मत करो, मतलब आडवाणी जी अपील कर रहे थे। मतलब उन्होंने सबको दिखाया, अशोक सिंगल ने क्या किया, गुलामी का प्रतीक है, वो सब दिखाया, आडवाणी ने क्या किया, वो सब चीज उन्होंने दिखाने की, और ये कल्याण सिंह की क्या भूमिका रही वो दिखाने की। कुछ काफी दिलचस्प है ये किताब, पर इस किताब का ये पहलू मुझे काफी अहम लगा कि देवीय प्रभाव में जो हुआ वो घट गया, महज एक इत्तेफाक था, एक जलजला आ गया, एक बाढ़ आ गई, एक सुनामी आ गई और हो गया, किया नहीं किसी ने। कैसी लगी आपको खबर, कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर हम आपके सामने होंगे हाजिर। फिलहाल अभी हमें दें इजाज़त।